हाय गाइस, नमस्ते गेम चैनल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ DIY फेस वॉश, यानी कि हमने 3 फेस वॉश बनाया है और होममेड फेस वॉश है जो आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने के साथ साथ अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या फिर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल हो रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट रहने वाला है। तो गाइज़, ये जो फेस वॉश है ना, वो ऑल स्किन टाइप के लिए है। अगर आप टीनेजर है तो ये फेस वॉश आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा है और इसका जो रिज़ल्ट है वो भी आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, बहुत ही कम टाइम में मिलने वाला है। तो ये फेस वॉश आप घर पे ज़रूर बनाइए। तो चलिए देखते हैं कि इसे किस तरह से बनाना है, उसकी क्या इसके क्या क्या बेनिफिट्स है और किस तरह से अप्लाई करना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाने वाले हैं एलोवेरा फेस वॉश। तो उसके लिए मैंने 4 चम्मच एलोवेरा जेल लिया है। आप चाहे तो प्लांट वाला एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ऐड करना है 1 चम्मच विटामिन ई ऑयल। उसके बाद 1 ड्रॉप एसेंशियल टी ट्री ऑयल ऐड करना है, अगर ये नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद इसमें 1 चम्मच कैस्टिल सोप ऐड करना है, ये भी टोटली ऑप्शनल है। ये यूज़ करने से हमारे फेस वॉश में झाग बनेगा। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब आप इसे मिक्स करेंगे तो इस तरीके का वाइट सा क्रीम जैसा बन जाएगा। तो समझ लीजिए कि आपका जो फेस वॉश है वो रेडी हो चुका है। इसे एक कंटेनर के अंदर आप स्टोर कर लीजिए। और गाइज, इसे आप 1 वीक तक स्टोर कर सकते हैं। आप इसे बाथरूम में रख सकते हैं या फिर आप फ्रिज में भी इसे रख सकते हैं। तो ये हमारा फेस वॉश रेडी है। इसे अप्लाई करने से पहले अच्छे से मिक्स करके ही अप्लाई करें। पहले हम हमारे फेस को अच्छे से पानी से वेट करेंगे, उसके बाद हम ये फेस वॉश अप्लाई करेंगे। दोस्तों, इसमें हमने एलोवेरा ऐड किया है, तो अगर आपको पिंपल की प्रॉब्लम है, पिंपल के दाग धब्बों की प्रॉब्लम है, तो इसे ये दूर करने में हेल्प करेगा, आपकी स्किन को लाइटन करेगा, चमकदार बनाने में हेल्प करेगा। और अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका है, फेस बहुत ज़्यादा डल लग रहा है, तो इसे ये पोषण देगा, आपकी स्किन इससे हाइड्रेट रहेगी। इसमें हमने विटामिन ई ऑयल ऐड किया है, तो ये हाइपोपिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करता है, आपकी स्किन को ब्राइट बनाने में भी हेल्प करता है, आपकी स्किन से गंदगी हटाने में भी हेल्प करेगा, डार्क सर्कल की प्रॉब्लम भी दूर करेगा। टी ट्री ऑयल एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करेगा। तो इसे 1 मिनट तक फेस पे अच्छे से अप्लाई करके ठंडे पानी की हेल्प से फेस को वॉश कर देना है। अब हम बनाएंगे राइस फेस वॉश। तो ये राइस को मैंने 2 पानी से पहले वॉश किया है, उसके बाद इसे मैंने 12 घंटे तक इसी तरह से भिगो के रखा है। अब ये बात जरूर ध्यान रखें कि जब आप इसे इस तरह से दबाएंगे तो ये टूट जाएगा, इसका मतलब है ये अच्छी तरह से भीग चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसे मिक्सर मशीन में क्रश करने वाले हैं। और ध्यान रखें कि जो पानी से हमने राइस को भिगोया था वही पानी हमें 1 कप जितना यूज़ करना है इसे क्रश करते टाइम। तो ये अच्छी तरह से क्रश हो चुका है, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। उसके बाद 1 बर्तन में आप इसे निकाल लीजिए और हम इसे गर्म करने वाले हैं। तो जब आप इसे गरम करोगे ना, तो ध्यान रखें कि आपको धीमी आंच पे इसे गरम करना है और इस तरह से चम्मच की हेल्प से इसे कंटिन्यूस हिलाते जाना है। तो 5 मिनट तक गरम करते करते ये आपका जो पेस्ट है वो इस तरह से थिक बनता जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि ये जो पेस्ट है वो अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। ठंडा हो जाने के बाद 1 बाउल में इसे निकाल लीजिए और इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं ग्लिसरीन। 2 चम्मच ग्लिसरीन ऐड कर लीजिए। उसके बाद इसके अंदर हम 1/2 लेमन स्क्वीज कर लेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे रोज़ वाटर 1 चम्मच। अगर आपको आपका जो ये पेस्ट है वो बहुत ज़्यादा थिक लग रहा है तो आप 2-3 चम्मच भी रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के लिए अच्छा खासा टाइम लीजिए। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद 1 कंटेनर में इसे निकाल लीजिए और जब भी आप इसे यूज़ करो, यूज़ करने से पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये हमारा राइस फेस वॉश भी रेडी हो चुका है। अब हम इसे अप्लाई करेंगे। दोस्तों, इसकी अच्छी बात ये है कि ये स्क्रब का भी काम करता है। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो चुकी है तो आप इसे स्क्रब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसे भी आप 1 से 2 वीक तक स्टोर कर सकते हैं। गाइज, इसमें हमने राइस ऐड किया है, तो राइस हमारे स्किन को ब्राइट बनाने में हेल्प करता है, ये टैन की प्रॉब्लम को भी दूर करने में हेल्प करता है और हमारे स्किन को इंस्टेंट ब्राइट बनाएगा ये। और अगर आपको बहुत ज़्यादा दाग धब्बों की प्रॉब्लम है तो इसे भी ये हटाने में हेल्प करेगा। ग्लिसरीन हमारे स्किन को मॉइस्चराइज रखने में हेल्प करेगा, स्किन को लाइटन बनाने में हेल्प करेगा। लेमन भी हमारे स्किन को
ब्राइट बनाएगा, टैन की प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करेगा और रोज़ वाटर हमारे स्किन को हाइड्रेट रखने में हेल्प करेगा। गाइज इसे एक मिनट तक अप्लाई कीजिए, उसके बाद ठंडे पानी की हेल्प से इसे भी वॉश कर दीजिए। अब हम बनाने वाला है ड्राई फेस वॉश, तो उसके लिए आपको आधी चम्मच हल्दी लेनी है और हल्दी को आपको इस तरह से सेकना है, यानी कि गर्म करना है। गाइज आप जैसे जैसे इसे गर्म करते जाओगे इसमें से थोड़ा थोड़ा सा धुआं निकलता जाएगा और आपकी जो हल्दी है वो येल्लो कलर की होती है, राइट। तो धीरे धीरे वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट होती जाएगी, आप देख सकते हैं इसी तरह से। जब ये ब्राउन कलर की हो जाए तो समझ लीजिए कि ये हमारी जो हल्दी है वो रेडी हो चुकी है। ये हल्दी ठंडी हो जाने के बाद हम जिसमें फेस वॉश बनाने वाले हैं उस कंटेनर में हम इसे निकाल लेंगे। उसके बाद उसके अंदर हम 2 चम्मच बेसन ऐड कर लेंगे, 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ऐड कर लेंगे और 1 चम्मच कड़वा नीम होता है उसका पाउडर ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा फेस वॉश रेडी हो चुका है, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स हो जाने के बाद हम इसे अप्लाई करेंगे। तो ये फेस वॉश अप्लाई करते टाइम पहले फेस वॉश हाथों में ले लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा पानी इसमें डालिए और फेस पे अप्लाई कीजिए। दोस्तों ये ड्राई फेस वॉश को आप 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं और एक अच्छी बात यह है कि इसे आप फेस पैक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। गाइस हल्दी हमारे स्किन को लाइट बनाने में हेल्प करेगी, टैन की प्रॉब्लम को भी हटाएगी, ब्राइट बनाने में हेल्प करेगी और स्किन पे अगर बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही हो, फेस बहुत ज़्यादा डल हो चुका है तो इसे भी ये क्लीन करने में हेल्प करेगी। बेसन भी हमारे स्किन को लाइट बनाने में हेल्प करता है, ब्राइट करेगा, स्किन को चमकदार बनाने में हेल्प करेगा। उसके बाद मुल्तानी मिट्टी भी हमारे स्किन को लाइटन बनाने में हेल्प करती है, पिंपल की प्रॉब्लम को दूर करती है और नीम पाउडर आपकी स्किन की हर एक प्रॉब्लम को दूर करेगा और आपकी स्किन को ब्राइट बनाने में हेल्प करेगा। ये तीनों फेस वॉश में से ये ड्राई फेस वॉश मेरा फेवरेट है क्योंकि इससे हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। तो आपको जो भी अच्छा लगा हो वो आप ज़रूर ट्राई करें। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, आप भी ये फेस वॉश ज़रूर ट्राई करें, 3 में से कोई एक तो ज़रूर ट्राई करें और आपके जो रिजल्ट है वो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें या फिर इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं, यूजर नेम मैंने स्क्रीन पे मेंशन किया है। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।